आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। खबर लखनऊ से है, जहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पूर्वांचल के स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित पुस्तक माटी के महायोद्धा का विमोचन किया गया। बता दें कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पुस्तक का विमोचन किया, साथ ही रक्षा मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को शॉल देकर सम्मानित भी किया। आसिफ आजमी की इस पुस्तक में पूर्वांचल के 32 जिलों के स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन यात्रा और देश की आजादी में उनके सहयोग का बखूबी वर्णन किया गया है। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे और एमएलसी मुकेश शर्मा के साथ ही पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह भी मौजूद रहे। मैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। सर, आज माटी के महायोद्धा पुस्तक का विमोचन हुआ, स्वतंत्रता सेनानियों पर लिखी गई पुस्तक है। माटी के महायोद्धा पुस्तक की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आसिफ ने अद्भुत संकलन किया है, 32 जिलों के लगभग 92 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन चरित्र को संकलित करके उसको प्रकाशन कराया गया है। मैं पुस्तक की सफलता के लिए शुभकामनाओं के साथ साथ आभार भी प्रकट करता हूँ। सर, अखिलेश यादव ने कोलकाता में कहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में 80 पे 80 सीटों पर जी बातें हैं, कोई कुछ है नहीं। यहाँ पूरी तरह से व्यवस्था उत्तर प्रदेश से समाप्त हो रही है समाजवादी पार्टी की, और हम लोग 75 से अधिक सीट जीत करके दोबारा प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। सर, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। अभी बिजली कर्मचारी भाई बहनों को आभार प्रकट करता हूँ, और उन्होंने वास्तव में जनहित में अच्छा फैसला लिया। तो ये था कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने कहा है कि इस लोकसभा चुनाव में वो सभी सीटों पर जीत करके प्रचंड बहुमत के साथ जो है वापसी करने को तैयार है। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी लखनऊ। तो अभी आपने सुना कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर कहा कि 2024 के चुनाव में सपा का सपाया होगा और सपा जो है वो समाप्तवादी पार्टी है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।